मुद्दे के छिवाई चेक घोषित करवा करके उसको खाली करवाया, उसी कलेक्टर का आदेश या दरोड़ी यहां से शिफ्ट करने का वहां का आदेश करवा दिया है। और जो आदमी आपको यह गुमराह कर रहा है कि आदेश नहीं हुआ, उसको कह दो झूठे, दर्जा झूठे, ये कह दे। अगली बात बताता हूं, वो कागज जो यहां के कलेक्टर ने लिख दिया वो राज्य सरकार के पास भेजते हैं, भेज दिया सरपंच साहब ने, कह दिया जाओ भाई अडारोड़ी जिस जगह दान करी हुए वहां हमने भेज दी, अडारोड़ी वहां शुरू होगी। जो टांग लगाएगा मैं देखना चाहता हूं उसको टांग कौन लगाएगा। और जो आदमी आपके अफवाह फैला रहा है उसने मेरे से खुद का व्यक्तिगत काम निकलवा लिया, अब वो दूसरी जगह सोचता है कि फलाने सिंह जीत जाएंगे इसलिए मैं वहां भी अंटा काट लिया। थोड़ा दोनों बोलियो सारे फोन पे करियो, मैंने फोन पर कहा तुम घुमराह करते हो लोगों को, क्या आदेश को नहीं हो भाई 40 साल कई साल की डरोड़ी के में जमे जद की तो ईश्वर का किस कहीं छाप के दियो के कलेक्टर को आदेश कहीं छाप के दियो भी था कौन छाप के दियो। अच्छा उसको तुम चैलेंज कर रहे हो। दूसरी बात, पहले राजस्थान का होता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद उसका प्रतिनिधि है मुख्यमंत्री का कलेक्टर, और कलेक्टर के बाद होता है गांव का सरपंच। मनो न मनो थरी अजीत सगत जत से नहीं जत से बात कोई लेने जोड़ो को नहीं, वो 5 साल रह को ठीक है, आगे थरी लड़ाई लड़ दियो थरी साहब हो, एमएलए को चुनाव है वो सरपंच को चुनाव वो नहीं, एम एमएलए का वोट मांग रहा हूं मैं थारे सरपंच ए टेम आ वादो करियो अठे के आगे लगे थे आओगे ने एमएलए साहब जब आ थाने गली बनाई लदे मैं पक्की रोड पर कर आयो ठीक है ने, मैं मेरा सारा काम कंप्लीट करे या अपना काम चलन लाग रहे। आज मैं सारे वार्ड नंबर 1 ने कहना चाहूं अठे जिंदगी में अडारोड़ी कौन रहे, अडारोड़ी रहे तो बलवान पुनिया का हट जाएगी अड्डी वाले। अठे जे कोई गेर दे मर पशु बलवान पुनिया ने फोन कर दियो गैशी में गेर दियो, और तो क्या गारंटी और कोई नेता ऐसे गारंटी दे सकता है। अरे मैंने समझायो जका लोग कब्जो करावे ठेबान लोग हम जाके बढ़ जाऊंगा, जका लोग कब्जो करावे जोड़ पायतन की जमीना पर जका तहसील में जोड़ पायतन की जमीना पर कब्जो करावे अरबे लोग ठेबान जाके बढ़ जाऊंगा, मारी तो बड़ा छोटो आ जनता रही आ जनता फैसलो करेगी सही के और गलत के, आपा गल्ला के निर्विरोध थोड़ी जीत्या भाई ये आपा गल्ला निर्विरोध को जीतेड़ा, अपने वोट आया 23,582 फालतू और अब का 45,000 फालतू लेने का चक्रामा और कोई रोड़ो हो नहीं भाई। मैं थारे गांव में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोली, मैं थारे छोरा खातर ग्राउंड में पीसा दिए, मैं थारी हाई वोल्टेज लाइट हटा दी, मैं थारो जोड़ो पाइथन को कब्जो उठवा दियो, शिवाई से घोषित करवा दी भाई जगह बोर्ड लाग रही हो, बोर्ड कने बीजेपी वाला गद्दी खड़ी करके आज फिर बाग नु माला के लुवावे जगह लोग कब्जो कर रखे, शर्म तो बची शर्म है कि शर्म है कि उनको आती नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये डरोड़ी भी हट गई, अब बारी आई है मेरी, दत्तीय थोड़े सितारा को बटन दबाओ और विधानसभा में नहीं भिजवाओ, मैं दलित की पीड़ित की किसान की नौजवान की महिलावां की बच्चां की छात्र छात्रावां की आदिवासियां की और ओपीएस जिका छोरा 2004 बाद छोरा छोरी थरा नौकरी लग गया बंग भविष्य की पेंशन बनाने की सारी बात गैलरी 15वीं विधानसभा में करिए, आगे 16वीं विधानसभा में बहुत मजबूती के सके करूंगा, विश्वास थाने दिलाना चाहूं और मैं कहना चाहूं थाने सारे साथियों अगले 22 तारीख ने अपनी रैली 22 तारीख में रैली करांगा आप इशार बाईपास पर आगलो चुको शाम को ले जाएंगे सामने 1,00,000 आदमी बड़ा करा 1,00,000 मान से भाई, और मैं थाने सपच को भाइयो एक कोगा कामरेड कह के को ये
हावड़ा चाल पड़ी उन्हें पुग्गू का वर्ण हाँ हर सात दिन पहली कर लियो निशात दिन को मिले हर नए मिले तो संको नामानियो ट्रैक्टर ट्राली माजियो हाँ के दूर है तो पारा सात दिन जिला ही अब मैं थाना बात करो तो ओ चुनाव बस जबकि गठड़ी बनी थी नहीं बात रहा एक जगह एक डाल लें बैठ गया क्या मैं बंद पड़े स्कूल पुट्ठा बुलाए अरे वो माइनर जो को एम एस आर माइनर है ए माइनर में जो मानव ट्रक्स में पानी का नो जब पट्टी लगे करें भाइयों 4.5 करोड़ रुपया की पाइपलाइन स्पेशल स्वीकृत करके गिरती आन लग रही है 4 किलोमीटर गिर गया आगे सीधी वाटरक्स में पहुंच जाएगी बलवान पुनिया थारी पट्टी रोकी है ये बलवान पुनिया का पट्टी ना लगा दी और भाई मैं थारी पट्टी रोक दी थे मेरी पट्टी रोक दो और मैंने विधानसभा पट्टी खोद पार दियो मैं एक बात और कहनी चाहूं मैं सारी बात कहनी चाहूं आज थमड़ो पहुंचा बड़ा भी भाषण थोड़ी ये भाषण तो और कुछ पांच मिनट है बड़े पुगांगा को नहीं बड़े फिर आप बिना माइक बोल अरे क्या पसंद मैच कम करो बिना माइक बोल अरे न्यू नागरिक न्यू नागरिक पांच पांच मिनट चलो चलो वहां चलते हैं चलो चलते चलते उनसे बात कर लेते हैं साइड में Thank you.
नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार, आपके पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस समय हम गांव सरदारगढ़िया में इस वक्त मौजूद हैं। यहां पर माकपा प्रत्याशी कॉमरेड बलवान पुनिया यहां पर पहुंचे हैं। कई जगह उनके यहां प्रोग्राम है, 10-15 परिवारों ने उनको समर्थन दिया है, लेकिन वो इस वक्त जांगड़ा चौक परिवार में पहुंचे हैं। वहां पर काफी तादाद में यहां जनसंख्या में लोग पहुंचे हैं। दिनों दिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे समर्थन बढ़ रहे हैं। इस समय 9 बजे के समय पर भी काफी तादाद में लोगों में उत्सव नजर आ रहा होगा। आप तमाम वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, इतने उल्लास जुनून के साथ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और एक भारी जन समर्थन कहा जा सकता है। देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से आप कार्यकर्ता बलवान इस गांव में लगभग दर्जनों प्रोग्राम सहित प्रोग्राम में डांगरा परिवार एक बड़ा घड़ा माना जा रहा है। इस गांव में मैं आपको बता दूं कि पहले यहां पर एक बाई इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में इस गांव में जो आप बाई इलेक्शन हुआ था उसमें सबसे प्रमुख गांव सरदारगढ़िया रहा था, जिसमें सरदारगढ़िया ने एक तरफा वोट किया था। और अब देख सकते हैं आप यहां पर एक जांगड़ा परिवार में पहुंचे हैं और उनका भारी जन समर्थन यहां। तो आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। सरदारगढ़िया ने जो बाई इलेक्शन मुंसरी का बाई इलेक्शन हुआ था उसमें सरदारगढ़िया ने 90% वोट किए थे। ऐसे में दर्जनों प्रोग्राम सहित यहाँ पर विधायक कॉमरेड बलवान पुनिया पहुंचे हैं। काफी उत्साह नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं तमाम प्रोग्राम खड़े हुए पर कार्यक्रम में पहुंचे और यहां से सीधा वो भादरा में भी उनका एक तमाम तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहां पर काफी तादाद में यहां पर लोग पहुंचे हैं और सामने बाद में यहाँ पर वो कॉमरेड बलवान पुनिया कॉमरेड बलवान पुनिया कॉमरेड बलवान पुनिया जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा जितेगा
كومراد بلوان بونيا كومراد بلوان بونيا كومراد بلوان بونيا جتا غاوي جتا غاوي كومراد بلوان بونيا كومراد بلوان بونيا كومراد بلوان بونيا देख सकते हैं तमाम तस्वीरों के इस शाम के टाइम में काफी भीड़ और उत्साह नजर आ रहा है काफी तादाद में लोग वहां पहुंचे हैं कम से बड़ी हुई है और शाम के बाद
لقد 90% لوگ یہ آواز لگا رہے ہیں کہ بلوان پونیا کیونکہ یہ ہم نے دیکھا بھی جیسے بائی الیکشن ہوا تھا سردار بلوان نے پرمکھ بھومیکا نبھائی تھی اور اسی میں اس کے سمے میں سب سے بڑا ہے کہ ایسے نہیں اس گاؤں میں اپنی پکڑ ہے وہ انہوں نے بنا رکھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر گھر جا کر درجنوں گھر شامل ہوئے ہیں اور درجنوں پریوار سہت ماکتا پرتیاسی کامریڈ بلوان پونیا کا جو ان دنوں میں ابھیان چل رہا ہے پچھلے 5 دنوں میں جو جن سمرتھن میں وہ جھوٹے ہوئے ہیں وہ نینترن بڑھ رہے ہیں جن سمرتھن دیکھ سکتے ہیں